हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी रेसिपी, धनिया पुदीना की चटनी। इसको बनाना बहुत इजी है और अगर हमारी चटनी अच्छी हो तो ये हमारे खाने और स्नैक्स का टेस्ट जस्ट डबल कर देती है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं चटनी को बनाना। फ्रेंड्स, ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है सबसे पहले हरा धनिया, फिर मैंने कुछ कलियां लहसुन की ली हैं, ये मैंने हरा प्याज लिया है, थोड़ा सा मैंने पुदीना लिया है और एक मैंने शिमला मिर्च ली है हाफ, और एक मैंने ये टमाटो लिया है जिसको मैंने गैस के ऊपर बेक किया। अब मैं इसको पील करके इसकी चटनी तैयार करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट को इस मिक्सी में डाल दिया है। इसमें मैंने डाली है एक ग्रीन चिली, काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया चटनी बनी है। और इस चटनी को आप किसी कांच के कंटेनर में डाल के 8 से 10 दिन तक फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और इसी चटनी को हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। हम एक कटोरी में 2 स्पून दही लेंगे और इसमें थोड़ी सी अपनी ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ही हमारी ऐसी चटनी तैयार हो गई। इस चटनी को आप ढोकला, स्प्रिंग रोल या अपने स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसी मार्केट में ये चटनी मिलती है। फ्रेंड्स, दही चटनी में उतनी ही डालें जितनी आपको ज़रूरत है, अदरवाइज़ अगर ये चटनी बच जाएगी तो कल ये ख़राब हो जाएगी, दही हमारी उसको खट्टा कर देगी। फ्रेंड्स, इस तरह हमारी दोनों चटनी बनके तैयार हो गई हैं, बहुत बढ़िया चटनी बनी है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़, अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।